सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। ढेर सारे काम करने हैं तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। अभी हमारी तैयारी है पुराने वाले घर पे जाने की। मुझे ऊखीमठ भी जाना है, वहाँ से कुछ काम निपटाने हैं। प्रीति डर गई भाई, पक्षी उड़ा प्रीति को, डर से हालत खराब हो गई। तो आज देखते हैं कि बाइक स्टार्ट होती है या नहीं। सोचा था प्रीति को मोटो ब्लॉग करवाएंगे आज, गोप्रो नहीं हो रहा है, प्रीति का जोर खराब हो गया। तो आज ही प्रीति ने बाइक चलाई, चल स्टैंड लगा दे। थोड़ा मेरे को ना सामने पर डर लगा, वहाँ पे कीचड़ कीचड़ है ना। अब मैं समझ चुका हूँ कि प्रीति को कैसी जगह पे दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। देखिए मैंने बाइक का कार्बोरेटर चेंज करवाया और ये है मेरी बाइक का ओरिजिनल वाला कार्बोरेटर। और जो अभी लगा हुआ है मेरी बाइक पे वो मंगवाया था, लेकिन वो सेम ऐसे ही नहीं आया। अब अंतर बताता हूँ आपको उसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें आपको यहाँ पे दो कनेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो नए वाला जो मैंने लगवाया है उस पर ये वाला कनेक्शन नहीं है, तो उसमें एक पाइप ना खाली छूट रही है। और वो पाइप है सीट के नीचे, एक यूनिट है वहां से जा रही, शायद उससे हवा जा रही है कार्बोरेटर पे, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसको लगाने से बाइक चल तो रही है, लेकिन सुबह के टाइम पे और काफी टाइम के बाद स्टार्ट करने से बाइक में दिक्कत आ रही है। और पता है अभी मेरे साथ लव भी आ रहा है मार्केट तक, इसका भी घूमना हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अब यहाँ से जाते हुए मोटो ब्लॉग करना था, लेकिन आज भी कैमरा खुल नहीं रहा, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है। अभी पहुंच चुका हूँ सर्विस सेंटर पे और बाकी यहाँ पे आदित्य भाई मिला, जो कि आजकल ले आया है नया कैमरा। तो इसको देख रहा हूँ कि ये कैमरा कैसा है गोप्रो के हिसाब से। गोप्रो के हिसाब से ये हल्का लग रहा है, ये है इंस्टा 360 1R करके। चलो जी यहाँ पे बाइक को भी दिखा दिया है, अभी तो ऐसे ही चलानी पड़ेगी। और कार्बोरेटर मंगवा दिया है नया। तो यहाँ पे ऊखीमठ में भैया जी की शॉप से एक टेडी बियर रखा है। अब ये क्यों रखा है आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मार्केट के सारे काम तो निपटे, लेकिन आज ना बिना मोटो ब्लॉक के अजीब सा लग रहा है। और अभी मैं घर पे आया हूँ सिर्फ लंच करने के लिए। दिन के 2:30 बज रहे हैं और मुझे जाना है त्रिजुगी नारायण, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ वाले घर से नए वाले घर पे जाना है। वहीं मेरा बैग बुक सामान सामान सारा कुछ है। आज तो मौसम अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, देखते हैं शाम को बारिश लगती है या नहीं। और आज ऊपर कपड़े रखे हैं ना, वो भी सही सलामत हैं। दिन के 3:15 हो चुके हैं और हमारी तैयारी अब हो चुकी है त्रिजुगी नारायण जाने की, और साथ में प्रीति भी चल रही है। हमारे पास 3 बैग हैं और जाने से पहले यहाँ पे टिन लगाना जरूरी है, क्योंकि अभी गेट तो बना नहीं, गेट बनेगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी गोप्रो थोड़ा सा ऑन हो गया है, माँ ने दीदी के लिए कुछ सामान रखा है। हम यहाँ तक पहुँच गए, अब इससे आगे गोप्रो काम करेगा तो आपको मोटो ब्लॉग देखने को मिलेगा, नहीं तो बस ऐसे ही चलते हैं। फिर मैं और प्रीति निकल पड़े अपने घर से त्रिजुगी नारायण की ओर। ये है जी अभी का गिफ्ट। अभी ने मेरे पास एक टेडी बियर मंगवाया था जो कि मैंने गिफ्ट पैक करवा के रख दिया है। कुछ दिन पहले तक हमको यहाँ चुन्नी बैंड से राइट को मुड़ना होता था गुप्तकाशी तक जाने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे जैवरी में पुल बन चुका है जहाँ पे कि रोड टूटी थी। काफ़ी मुश्किल काम था यहाँ पे पुल बनाना, लेकिन कर दिखाया। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे कुंड में, यहाँ से हमको राइट को मुड़ना है। अब हम केदारनाथ वाली रूट पे आ गए हैं, यहाँ से अब इसी रूट पे हमको आगे बढ़ना है सोनप्रयाग तक। रास्ते में आजकल कई सारी नई दुकानें खुली हुई हैं, तो सभी का रोजगार यात्रा पे ही डिपेंड है केदार घाटी में। ज़्यादातर जो हाईवे हैं वो काफ़ी अच्छे बन चुके हैं केदारनाथ रूट पर, लेकिन जहाँ पर रोड संकरी है वहाँ पर गाड़ियों का जाम लगना आम बात है। और अभी हम पहुंचे हैं गुप्तकाशी मार्केट में। यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी 47 किलोमीटर और गौरीकुंड 33 किलोमीटर लिखा है। यहाँ से अभी के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लेते हैं। केदारनाथ धाम के इस रूट पर फिर हम पहुंचे केदार घाटी के आखिरी पेट्रोल पंप नाला में। यहाँ पे हमने बाइक में फ्यूल भरवाया। जब भी आप केदारनाथ धाम के इस रूट पर आते हैं तो यहाँ पे अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा दें। आज तो फाटा तक आते आते हालत खराब हो गई है, क्योंकि हमारे पास ना बहुत ज्यादा सामान है और मेरे पे देखिए दो दो बैग है और एक हाथ में भी है। यहाँ आपको कहीं पे मक्खन रोड मिलेगी और कहीं पे बहुत ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। और अभी हम पहुंच चुके हैं फाटा मार्केट में और आज तो मौसम ने भी हमारा साथ दिया, आज तो बारिश नहीं लगी, नहीं तो 2 बजे से बारिश स्टार्ट हो जाती थी। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे सीतापुर में, जहां पे की एक बड़ी सी पार्किंग है और आजकल वहां बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। बहुत सारे यात्री लोग अभी केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापसी आ रहे हैं और उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी हमें दिखाई दे रही है।
फाइनली पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में और यहां देखिए यात्रियों की लाइन अभी भी लगी हुई है। गाड़ियां यहां से नीचे पार्किंग के लिए जाती हैं और जो पैदल यात्री हैं वो आगे के लिए जाते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक सिर्फ यहीं की जो शटल सेवा की गाड़ियां रहती हैं उन्हीं से जा सकते हैं और उनका किराया करीब 40-50 रुपये रहता है। बाकी नीचे जो पार्किंग है ना फुल भरी हुई है। यहाँ पार्किंग में अगर आप अपना व्हीकल खड़ा करते हैं तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो लिखे हुए हैं। ढी लोगों के होटल से ठीक सामने का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। लगातार यात्री लोग ऊपर से नीचे आए जा रहे हैं अभी और कई यात्री लोग अभी ऊपर की चढ़ाई के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं पर आज पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि आज वो यहीं सोनप्रयाग तक ही रुकेंगे और सोनप्रयाग में रुकने खाने की पूरी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। तो अभी मुझे यहाँ से तिरुचुकी नारायण तक जाना होगा। अभी का जो गिफ्ट मंगवा रखा है इसको उसके पास तक पहुँचाना है और फिर शाम को मुझे आज यहीं रुकना है। सोनप्रयाग मार्केट से तिरुचुकी नारायण की दूरी है करीब 12 किलोमीटर और यहाँ से हमको लेफ्ट को ऊपर को मुड़ना है तिरुचुकी नारायण गाँव के लिए। इस रूट पर भी आजकल काफी चहल पहल देखने को मिल रही है जबकि अगले 6 महीने यहाँ बिल्कुल सुनसान सा माहौल रहता है। अच्छी बात है यहाँ के लोगों का रोजगार अपनी पटरी पे आ चुका है। तिरुचुकी नारायण की रोड थोड़ा सा खराब है किसी किसी जगहों पे, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है टू व्हीलर के लिए और बाकी रोड काफी सुंदर है बनी हुई यहाँ की। ये रही जी अनु भाई की बाइक और मैं पहुंच चुका हूँ तिरुचुकी नारायण में। यहाँ पे इंटर कॉलेज है और यहीं से ऊपर को रास्ता है दीदी के घर जाने का। अभी ये ले तेरा टेडी बियर वाला गिफ्ट। तो मिली अपने भांजे अभी से जिसकी ये डिमांड थी एक छोटा सा टेडी बियर ले आने की। अभी क्यों मंगाई? अरे ये वो दिया को देना था मेरी फ्रेंड। फ्रेंड को? हैप्पी बर्थडे, बर्थडे उसका। बर्थडे? अच्छा। अब मेरे से ना बोला कि मामा आप इधर आ रहे हो ना तो मैं ले वो गिफ्ट ले आना एक टेडी बियर बड़ा वाला बोला था, इतना ही मिला इसी को ले आया। कितने रुपए का है? कोई नहीं तो दे दे। और मिले यहाँ पे दीदी से, तो हेलो दीदी के लिए ना इस बार मैं कुछ लेके आया हूँ जो सैमसंग का ना कनेक्टर होता है ना, क्योंकि इसका माइक काम नहीं कर रहा था। अगर वो काम करेगा तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। अभी को उसका गिफ्ट दे दिया है और मुझे और दीदी को अभी ना यहाँ से सोनप्रयाग जाना है क्योंकि हो सकता है हम वहाँ से कल कहीं और निकल पड़े। बहुत तेज हो रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ऐसे बोला कि गर्लफ्रेंड बहुत तेज है। और यहाँ पे दीदी का जो खोला है ना वो आजकल देखिए इस पे कितनी घास जमी हुई है क्योंकि आजकल ये दुकान में बिजी हैं, होटल में बिजी हैं, तो घर पे कोई नहीं रहता है। बस अभी है, अभी खुश हो गया गिफ्ट को पाके। चलो जी पहुँच चुके हैं दिया के घर पे और ये है आज की बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे दिया। तो अभी हम सोनप्रयाग को जा रहे हैं और यहाँ पे एक धार पे हम रुके हैं और यहाँ से नीचे देखिए जगमगाता हुआ सीतापुर गांव मार्केट और कभी ना यहाँ बिल्कुल सुनसान सा रहता है और आज शहर दिखाई दे रहा है। आज यह शहर दिखाई दे रहा है यहाँ से।